नवारक टाइम्स, अगर अर्थ पर एलियंस आते तो उनसे मिलने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेस एम्बेसडर अपॉइंट किया। यह है मलेशिया की एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट दत्तुक डॉक्टर मजलन ओथमान। आर यू श्योर ये खुद एलियन नहीं है? आई मीन लुक एट हर नेम, दत्तुक डॉक्टर मजलन ओथमान, इज दैट फ्रॉम अर्थ और सम स्टार ट्रेक एपिसोड? जस्ट किडिंग। ये है उनकी तस्वीर, देखिए, एलियन के लिए मलेशियन एम्बेसडर। थोड़ा पुराना नहीं लगता? होंडा सिटी रख सकते थे, वहां एम्बेसडर। बैड जोक, बैड जोक, सॉरी। हाँ, बस स्टार्टिंग अगेन। एलियंस के लिए मलेशियन एम्बेसडर, मतलब यूएन ने क्या सोचा, सिर्फ मलेशिया वाले ही एलियंस की भाषा समझ सकते हैं या मलेशियंस की शक्ल भी एलियंस जैसी है तो उन्हें ही आगे कर दो? वैसे भी ये गोरे लोग होते बड़े चालू है, उन्होंने सोचा होगा सारा एलियन आएगा, पता नहीं क्या करे सबसे पहले, यू नो, इसे तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले से ही मिलने दो, हाँ काम का हुआ तो बाद में अपने यहाँ बुला लेंगे। और वैसे 58 साल की एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, क्यों चुनी एम्बेसडर के तौर पर, कोई जवान क्यों नहीं? कहीं यूएन वाले ये तो नहीं बताना चाहते कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है? अगर इतनी अजीब दिखने वाली लेडी से ही मिलवाना था तो फिर मायावती भी तो चल सकती थी। हाँ, वैसे भी मायावती की मूर्ति को एक अमेरिकन मैगजीन ने दुनिया की सबसे बदसूरत मूर्तियों में शामिल किया है। और एलियंस आ भी इसीलिए रहे कि कौन है यार जिसकी इतनी मूर्तियां लगा रहे हैं अर्थ भी अर्थ पे। एनडीटीवी पर एक प्रोमो आता है जिसमें विनोद दुआ कहते हैं कि हम इंडिया के लिए खाते हैं। नहीं, वो तो हम जानते हैं, पर साले एनडीटीवी वालों कोई रियल मॉडल्स यूज करो ना यार प्रोमो में। विनोद दुआ, हम इंडिया के लिए खाते हैं कैंपेन में बरखा दत्त ए राजा कलमाड़ी को यूज कर, कैंपेन वुड हैव श्योरली बीन अ हिट, लेकिन विनोद दुआ, आई मीन कैसे खाएगा बेचारा, सीरियसली उसे कौन खिलाएगा? अगर इंडिया में सब लोग विनोद दुआ जैसे होते तो करप्शन कब का खत्म हो चुका होता। नहीं यार विनोद दुआ, आई मीन उसे खिला के क्या फायदा, पैसे दे भी दिए तो क्या करना। लेट्स बिकम ऑनेस्ट, नो पॉइंट गिविंग ब्राइब्स एनीमोर। एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन ने कहा है कि असल में मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो मोनालिसा की नहीं बल्कि लियोनार्डो डा विंची के एक मेल फ्रेंड की है। आपके समझ में नहीं आया, इसे बॉलीवुड स्टाइल में समझा दो। जिसे आप शाहरुख के साथ फिल्म में काजोल समझ रहे थे वो एक्चुअली करण जौहर है। अब रही उस पेंटिंग में मिस्टीरियस स्माइल की बात, तो उससे ज्यादा मिस्टीरियस तो सविता की स्माइल होती है। टहलका ने खुलासा किया है कि उसके पास 15 लोगों के नाम हैं जिनकी ब्लैक मनी देश के बाहर फॉरेन बैंक्स में पड़ी है। तहलका ने उन सब लोगों को कांटेक्ट किया है और उन सब के जवाब का इंतजार है। मतलब किस चीज का इंतजार है, कि तहलका वालों को उनसे पैसे कब मिलेंगे? वैसे तहलका वाले 15 लोगों की बात कर रहे हैं और जय हिंद ने खुलासा किया है करीब 782 ऐसे लोग हैं जिनके पैसे बाहर रखे हुए हैं। मतलब बाहर पड़े हैं का मतलब तो यही हुआ ना। और हमें यकीन है कि आप में से कुछ तो समझदार लोग होंगे और समझ गए होंगे कि हम किन 782 लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, that's right. अच्छा, लंदन के रिसर्चर्स ने ऐसे केमिकल्स की पहचान की है जो चूहों में मेमोरी बढ़ाता है। क्यों ऐसे रिसर्च करते हो चूतियों? मतलब टॉम एंड जेरी बनाने वालों से कोई डील है क्या तुम लोगों को? उन्होंने कहा होगा जेरी आजकल कुछ याद नहीं रख पाता, इज जेरियाट्रिक, यू नो, उसके मेमोरी को बढ़ाने के लिए कोई रिसर्च करो। अच्छा, वैसे पता कैसे चला होगा कि चूहों की मेमोरी बढ़ गई है? क्या वो पार्क में जॉगिंग करते हुए अपनी फेवरेट किसी एक ही ट्रैक पर दौड़ते हैं? या किसी डरपोक बिल्ली को देखकर डिस्कशन करते हैं, अबे इसे क्या डरना है, याद है पिछली बार हमने पकड़ने के चक्कर में इस बिल्ली की सांस फूल गई थी? या साइंटिस्ट ने कभी उन्हें आपस में लड़ते हुए देखा है कि एक चूहा दूसरे से कह रहा हो, ए मैं भूलने वाला नहीं हूं,
मैंने मेमोरी केमिकल्स खाए हैं साले, मुझे पक्का याद है पिछले हफ्ते तू मेरी पॉन की डीवीडी लेकर गया था, चल लौटा दे फटाफट चल। आई थिंक रिसर्च तो चूहों के बजाय गधों पर भी होनी चाहिए। टोटल गधे बचे कितने हैं आजकल? सिर्फ 1411 गधे ही बचे हैं या इससे ज्यादा है? नहीं, क्यों? क्यों गधों को बचाने के लिए एनजीओ खोलना पड़ रहा है? आई मीन कौन है जो गधों को मार रहा है? कहीं येडियुरप्पा का हाथ तो नहीं है इसमें? हमारे पास येडियुरप्पा के ड्रॉइंग रूम की एक तस्वीर है, देखिए। वैसे आपको पता है रिसेंटली येडियुरप्पा ने जब गधे की बलि चढ़ाई तो सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई? द रेड्डी ब्रदर्स। लिसन टू दिस सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग। येड्डू जी थैंक यू, आप हमारा कितना ख्याल रखते जी, डोंकी बिरयानी इज आवर फेवरेट, प्लीज बलि के बाद का मटन फेंकना नहीं। मुझे पता था ये रेड्डी ब्रदर्स कर्नाटक के हो ही नहीं सकते। दिस इज अ कंप्लीट प्रूफ दैट दे आर फ्रॉम आंध्रा। डोंकी बिरयानी इज वेरी पॉपुलर देयर। We will be back after this short break with more weird people than even aliens can think of. Till then, guys.